ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए उन कुछ किया जाना चाहिए और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा, एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सरदार अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। सरदार अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से, और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। यह हमारा सौभाग्य है कि सर्वे अटल जी की स्मृतियों को इन 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम प्रारंभ शुभारंभ होने के साथ साथ द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर,
वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 तालावासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटलावासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे।